हेलो फ्रेंड्स, सुबह उठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ। सुबह सुबह उठ के और मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है, मुझे बहुत रिलैक्स करता है। उससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता है बहुत सारी चीज़ें करने में। सब जो दिमाग में चलते रहता है, सब इधर उधर उधर, वो कुछ समय के लिए रुक जाता है और शांत हो जाता है। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं बुक रीड करती हूँ। जैसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है फ्रेंड्स कि मुझे यही सब करना है, ज़बरदस्ती नहीं है। कभी नहीं मन चाहा मुझे बुक पढ़ने का हो, मुझे ऐसा लगा कि जस्ट मैं ऐसे ही बैठी रहूँ तो मैं वैसे ही बैठी रहती हूँ, कुछ सुनना है तो कुछ सुनती हूँ। बट मॉर्निंग मेरी हमेशा पॉजिटिविटी से ही शुरू होती है। मॉर्निंग उस हिसाब से शुरू करते हो जहाँ पे एक बोला गया है ना, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जहाँ पे पॉजिटिविटी इन होती है और पॉजिटिव के कारण पूरा दिन पॉजिटिव जाता है, तो कोई भी कंडीशन हो। जब मैं मेडिटेशन नहीं किया था और सुबह उठ के बुक रीडिंग नहीं करती थी, उसका डिफरेंस और करने का डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्योंकि सुबह उठ के पहले तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा घुस जाती है, तो वो घुसने से पहले उसमें पॉजिटिविटी डाल दो आप, और ये बेस्ट वे है। और मेडिटेशन इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हो उसमें, और आपका जो अटेंशन है आपके कंट्रोल में होता है। जैसे मैं ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देती हूँ, उससे मेरे माइंड को प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ, इस पे ही ध्यान देना है। फिर दिन भर मुझे किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना हो तो मैं अपने माइंड को उस हिसाब से करती हूँ, और माइंड को पता है कि इस हिसाब से ही गाइड करना है हमको, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है। और बुक रीडिंग इसलिए, बुक मतलब नॉट कम्प्लीटली, आप एक सेंटेंस पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप वो आपके लाइफ में यूज़ हो नहीं हो वो छोड़ देना, वो लाइफ में आपको पता चलेगा। और क्योंकि वो पॉजिटिविटी आपके माइंड में भरी रहेगी, तो नॉट कि कम्प्लीटली उसको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़ी सी चीज़ें पढ़ सकते हैं और सिर्फ माइंड को नेगेटिविटी से बचाने के लिए अच्छा है, और समझ सकते हैं और शांत। मुझे सबसे जब जंगल सफारी की मैंने, वहाँ पे जो शांतता थी बहुत अच्छी थी, और वैसी ही मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्सटर्नल चीज़ ही आप, एक्सटर्नल चीज़ों के हिसाब से ही आप चलिए। एवरीथिंग इज़ इंटरनल एज आई ऑलवेज सेड, सो इंटरनल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि एक्सटर्नल आपके एक्सपीरियंस करते हैं, उसका इफेक्ट इंटरनली होता है आपको। और लेकिन आप इंटरनली ही पीसफुल है, इंटरनली वही सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही पीस जंगल में है, तो क्या बात है। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, और यही मैं आपके साथ शेयर किया है। और जंगल सफारी में भी जब मैं बाहर घूमने जाती हूँ, तभी भी मैं मेरा कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे और ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंड इधर उधर जाते रहता है, तो उसको ज़रूरी रखती हूँ। क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है करना, आप सुबह उठ के सब कुछ करते, ब्रश वगैरह सब करते ही है, तो वाई नॉट दिस 10 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए। आप तो भी मैं ज़रूर वो कीजिए ये सब, और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ चीज़ें लाऊंगी और दिखाऊंगी।